रंगरा पीएचसी में 120 लोगों का किया गया वैक्सीनेशन। रंगरा पीएचसी में बुधवार को कोविड-19 से बचाव के लिए 120 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। वैक्सीनेशन अभियान का नेतृत्व पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रंजन कर रहे थे। जानकारी देते हुए रंगरा पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई गई है। रंगरा पीएचसी में अब 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों का वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया गया है। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। थानी विवाह भवन 0 माइल NH-31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर लें आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। अपने विचार दिए और हम चाहेंगे कुछ और भी हमारे बीच हैं, जैसे हम सुरेश बाबू से वीडियो बना लिए, फोटो 2 मिनट में। सुरेश बाबू आइए, और आइए सुरेश बाबू आइए। हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि, गणमान्य व्यक्ति, हमारे पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि, हमारे चंद्रश्री बाबू। एक बार खड़े होकर जोरदार जैसा कि अभी आप सभी लोगों ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति ने अपने विचार रखे और सभी लोगों की एक ही सहमति हुई कि यह भूमि जो आज पूर्व से चल रही थी बाल विकास विद्यालय, किसी कारण बाढ़ में, भीषण बाढ़ में बह गई, इसका पुनर्निर्माण हो और यहाँ पर बहुउद्देशीय भवन बने। ऐसे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, लेकिन हम आज के जो गणमान्य मुख्य अतिथि आए हुए हैं, हम चाहेंगे वह अपने विचार रखे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे आज के जो भी विचार हो, जो पहले से यहाँ रह रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर कुछ भी निर्माण हो। धन्यवाद। तो हम आज के इस सभा में उपस्थित और इस बाल विकास विद्यालय की जो कमेटी बनी उसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे नवगछिया क्षेत्र के प्रसिद्ध एडवोकेट हमारे मुक्ति बाबू से हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए अपने विचार को रखें। रंगरा पुलिस ने एक साथ चलाया मास्क और वाहन जांच अभियान। 2800 रुपये जुर्माने की हुई वसूली। रंगरा पुलिस ने बुधवार को थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर सघनता पूर्वक मास्क और वाहन जांच अभियान एक साथ चलाया है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए कहा है कि मास्क नहीं पहने कुल 6 लोगों से पुलिस ने 300 रुपये और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने के मामले में 3 लोगों से 2500 रुपये की वसूली की है। थाना क्षेत्र के थाना चौक, मुरली चौक और भवानीपुर टावर चौक पर मास्क और वाहन जांच अभियान चलाया गया था। शादी की नियत से अपहृत विवाहिता बरामद, आरोपी गिरफ्तार। रंगरा के मंदरौनी गांव से इसी वर्ष 6 फरवरी को शादी की नियत से अपहृत विवाहिता को पुलिस ने बरामद कर लिया है, तो दूसरी तरफ इसी मामले में आरोपी गांव के ही मोहम्मद आलम को भी पुलिस ने नवगछिया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि बरामद महिला का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है और महिला का बयान भी न्यायालय में कलमबद्ध करवाया गया है। फिलहाल महिला को उसके माता पिता के पास भेज दिया गया है। रंगरा में एक कपड़े की दुकान में चोरी, चोरों ने उड़ाए 50,000 रुपये के सामान। रंगरा गांव स्थित एक कपड़े की दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है।
इस बाबत बुधवार को दोपहर बाद दुकान के मालिक कुर्सेला निवासी अनिकेत कुमार ने थाने में सूचना दी है। अनिकेत का कहना है कि अज्ञात चोरों ने 50,000 रुपये मूल्य के कपड़ों की चोरी कर ली है और दुकान में ही बने एक लॉकर को तोड़कर कुछ नकदी की भी चोरी कर ली है। दुकानदार ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने दूरभाष से दी थी। रंगरा पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।